बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत और आईजी सिंध से वजाहत तलब की है क्योंकि उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर जो कि बिनाई से मुकम्मल तौर पे महरूम था उसे एसपी का ओहदा दे दिया है और वो भी एडिशनल आईजी टेली कम्युनिकेशन के साथ। एसपी मोहम्मद अली की तैनाती सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। इस हवाले से अदालती कार्रवाई क्या रही? नाज़रीन, अदालती कार्रवाई की जानिब बढ़ने से कबल अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा कि क्या पुलिस ऑफिसर का तकरर दुरुस्त है या नहीं। नाज़रीन, जस्टिस शफी सिद्दीकी की अदालत में जब केस की समाअत हुई तो अदालत ने बड़ी हैरानी से पूछा कि क्या पुलिस जैसे अहम महकमे में आला ओहदे पर ऐसी कोई तैनाती की जा सकती है? सिंध पुलिस में पहले ऐसी कोई मिसाल मौजूद है? बताए तो सही, ये फैसला कैसे किया? दौरान समाअत असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो की सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की नुमाइंदगी कर रहे थे बताया की भारत में एक नाबीना जज तैनात हो चुके हैं। इसी तरीके से लाहौर में भी एक ऐसे जज को तैनात किया गया है जो कि मुकम्मल तौर पे नाबीना थे। अदालत ने कहा कि ये सब कुछ जॉब ऑफ नेचर पर भी तो डिपेंड करता है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल दिफा में बोले कि टेली कम्युनिकेशन में वायरलेस पैगाम ही तो आगे भेजना पड़ता है, ऐसा तो कोई मामला नहीं कि तैनाती ना हो सकती हो। अदालत ने कहा कि आपने ये सोच कर तो नाबीना को भर्ती नहीं कर दिया कि पहले तो सभी एक और सही। अदालत ने रिमार्क्स देना थे कि कह के गूंज उठे। अदालत ने कहा फिर ऐसा ना हो कि कल आप पुलिस में ड्राइवर भी नाबीना भर्ती कर लें। अदालत ने सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस और नाबीना एसपी मोहम्मद अली से जवाब तलब कर लिया है कि बताएं कि क्या तैनाती ठीक है या नहीं। देखना यह है कि अदालत दलाइल सुनने के बाद क्या फैसला जारी करती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।